शनिवार देर शाम करीब 8 बजे मंदसौर के पीपलिया मंडी थाना क्षेत्र के बही पार्श्वनाथ गांव में एक शिक्षक पर अज्ञात बदमाशों ने बंदूक से हमला कर दिया। जानकारी के मुताबिक शिक्षक मुकेश पाटीदार घर से टहलने निकले थे कि बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों ने उनके साथ मारपीट की और बंदूक से फायर भी किया। शिक्षक के पेट के पास गोली लगने से वे घायल हो गए। बदमाश मौके से भाग निकले। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को जिला अस्पताल लाया गया। घायल शिक्षक मुकेश रतलाम जिले के हड़तल गांव के प्राथमिक शाला में पढ़ाते हैं। घटना स्थल से पुलिस को पिस्टल और कारतूस बरामद हुआ। मल्हारगढ़ विधायक जगदीश देवड़ा सहित एसपी सिद्धार्थ चौधरी जिला अस्पताल पहुंचे और घायल का हाल जाना। एसपी सहित पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर घटना स्थल का जायजा भी लिया। घायल शिक्षक मुकेश पाटीदार को इलाज हेतु रात उदयपुर रेफर किया गया। पुलिस ने घटना के बाद नाकाबंदी कर बदमाशों की तलाश शुरू की है। पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर शिक्षक पर यह जानलेवा हमला किसने करा और क्यों किया। करीब 8:25 के आसपास की घटना बताया जा रहा है। पिपलिया मंडी थाना क्षेत्र में बही गांव के आसपास जब यह वॉक पे निकले थे तो किसी दो लोगों ने जो नकाब या मास्क बांधा था उनके द्वारा ये घटना घटित करना बताया है। जैसा शिक्षक मुकेश पाटीदार ने बताया है, पेट के पास में गोली लगी है, एक्सरे किया गया है लेकिन अभी बुलेट का पता नहीं है। संभावना है कि उसको टच करके भी निकल गई है या फिर जैसा भी होगा सीटी स्कैन कराया जा रहा है। उसने अभी दो तीन लोगों पे डाउट किया है लेकिन एग्जैक्टली वो ये कंफर्म नहीं है कि किन लोगों द्वारा किया जा रहा है, तो हम लोग इसका पता लगा रहे हैं। एक फायर होना बताया है। सर ये सरकारी शिक्षक हैं क्या? अभी संविदा शिक्षक बता रहे हैं, ये उसको दिखवा लेते हैं।